नमस्कार, मैं हूं पूजा कविया गोमा। एपीएन के लोकप्रिय कानूनी प्रोग्राम लीगल हेल्पलाइन में आप सभी का स्वागत है। एपीएन के इस कार्यक्रम में हमारे कानूनी विशेषज्ञ रोजमर्रा की जिंदगी की समस्याओं से जुड़ी कानूनी मसलों पर आपकी शंकाओं का समाधान करते हैं। आप फोन करके विशेषज्ञ से कानूनी राय भी ले सकते हैं। आज हम कॉन्ट्रैक्ट लेबर के बारे में बताएंगे और कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट से जुड़े नियम कानून कायदे आपको समझाएंगे। आज कारोबार करने वालों के सामने तमाम तरह की कानूनी समस्याएं उभरती हैं, साथ में उद्योगों में काम करने वाले कामगारों को भी कानूनी समस्याओं से दो चार होना पड़ता है। देश में कई तरह के श्रम और औद्योगिक कानून हैं, कुछ नए कानून लाए भी गए हैं। आज लगभग पूरे देश में ठेका वर्कर या कॉन्ट्रैक्ट लेबर धड़ल्ले से रखे जा रहे हैं, हर कोई इस नाम से वाकिफ है। आज हम कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट के बारे में चर्चा करना चाहते हैं। अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट वर्कर है तो उसे क्या क्या सुविधा मिलनी चाहिए, क्या क्या उसके अधिकार हक हैं। अधिनियम मुख्य नियोजन और ठेकेदार पर कई जिम्मेदारियां हैं। कॉन्ट्रैक्ट वर्कर को कई तरह की सुविधाएं सुनिश्चित करनी होती हैं। ठेकेदार का कर्तव्य होता है कि मुख्य नियुक्ता या प्रिंसिपल एम्प्लॉयर के अधिकृत प्रतिनिधि की उपस्थिति में मजदूरी का वितरण सुनिश्चित करें। ये तो थी कुछ बुनियादी जानकारी कॉन्ट्रैक्ट लेबर पर। हमारे आज के विशेषज्ञ अधिवक्ता विनय त्यागी जानकारी देंगे हमें। विनय जी, आपको कॉन्ट्रैक्ट लेबर से जुड़े तमाम कानूनी पहलुओं की जानकारी देंगे। अगर आपका कोई सवाल है तो आप फोन करके राय ले सकते हैं। हमारा फोन नंबर आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर अब फ्लैश होगा। हमारा फोन नंबर है 7065013841। टेलीफोन नंबर आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है इस वक्त। इसके अलावा एक और नंबर 8377009636। इन नंबर्स पर आप कॉल कर सकते हैं और कॉन्ट्रैक्ट लेबर से जुड़ी जो तमाम जानकारी है वो हमसे पूछ सकते हैं। तो कानूनी सहायता के लिए आप इन कॉल्स पर हमारे साथ संवाद कर सकते हैं। तो आज हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ अधिवक्ता विनय जी हैं। बहुत स्वागत है विनय त्यागी जी आज के इस कार्यक्रम में आपका। आज हम कॉन्ट्रैक्ट लेबर की कानूनी परिभाषा समझना चाहेंगे आपसे, सबसे पहले कि कानूनी परिभाषा क्या होती है और उसका जो मकसद है, साथ साथ वो भी आप बताइए कि कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट का आखिरकार मकसद क्या है। नमस्कार। एक्चुअली कॉन्ट्रैक्ट लेबर रेगुलेशन एंड अबॉलिशन एक्ट 1970, ये कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट है जी। और ये बनाया गया था इसलिए क्योंकि कई फैक्ट्रियों में सीजनल वर्क होता है, प्रोजेक्ट बेस्ड काम होते हैं जो कुछ समय के लिए होते हैं और फिर बाद में बंद कर दिए जाते हैं जैसे जैसे प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट होती है जी। तो कई बार कंपनियों में थोड़े दिन के लिए हो सकता है 40-50 लोग की आवश्यकता पड़े जो परमानेंट नेचर के नहीं होते, टेम्प्ररी नेचर होते हैं जी। कैजुअल टाइप का वर्क होता है, लोडिंग अनलोडिंग आपका, कुछ हेल्पर्स का काम, कभी शिफ्टिंग का काम, कभी थोड़ा सा मेंटेनेंस का काम हुआ, या कुछ काम ऐसा हुआ जो थोड़े टाइम के लिए ही यूज किया जा सकता है और ऑर्डर फिर नेचुरली बन जाता है और आगे चला जाता है, आगे काम ना हो या हो उसका परमानेंट नेचर नहीं हो जी। इसलिए कॉन्ट्रैक्ट लेबर को लिया जाता है बिकॉज द एम्प्लॉयर्स आर नॉट श्योर हाउ लॉन्ग दे आर गोइंग टू कंटिन्यू दिस काइंड ऑफ वर्क एंड दिस काइंड ऑफ लीव जी। ठीक है, बड़ी अहम जानकारी विनय त्यागी जी आपके जरिए मिली है। अब जरा ओवर टाइम और सैलरी पर क्या नियम है इसके बारे में हम चाहेंगे चर्चा करें कि इस एक्ट के तहत अगर कोई ओवर टाइम करता है या फिर उसकी जो सैलरी पैकेजिंग है वो किस हिसाब से डिवाइड होती है। देखिए जी, सैलरी तो हरेक स्टेट की अपनी गाइडलाइंस है, अपनी मिनिमम वेजेस है जिनको हमें फॉलो करना पड़ता है। और ओवर टाइम का एक बहुत सिंपल सा असूल है कि एक घंटे की सैलरी और एक घंटे के ओवर टाइम में डिफरेंस डबल का होता है। दैट मीन्स अगर एक आदमी एक घंटा ओवर टाइम करता है तो उसको उसकी सैलरी का जो उसका रेट बन रहा था 8 घंटे की ड्यूटी का वो उसको डबल मिले। इसका मतलब अगर किसी आदमी ने 8 घंटे अपना काम किया तो उसको एक्स अमाउंट मिलता है। अब ये आदमी जब एक घंटा भी ओवर टाइम करता है तो इसको उस सैलरी के हिसाब से 2 घंटे के पैसे मिलते हैं, डबल रेट के।
इसका मेन पर्पस ये था ताकि किसी वर्कर को एक्सप्लॉइट ना किया जाए। हमारा देश पहले एक बहुत गरीब देश होता था, बहुत बैकवर्ड स्टेट्स होते थे, तो एम्प्लॉयर क्या करते थे कि पैसे की लालच में और पैसे की मजबूरी में वर्करों से काम कराते थे जबरदस्ती बहुत ज्यादा। तो ये इसलिए किया गया था कि आदमी काम करता ही सिर्फ यू नो फैमिली पालने के लिए, अपनी परेशानियों से मुक्ति लेने के लिए पैसे की अवज में आदमी बहुत काम कर जाता। बिल्कुल वो इतना काम ना कर पाए कि वो हेल्थ रीजन से, सेफ्टी रीजन से खराब सिचुएशन। बिल्कुल विनय जी, इसी से जुड़ा मेरा अगला सवाल है कि जैसे आपने भी बताया कि कई बार होता है कि ठेकेदार किसी कॉन्ट्रैक्टर लेबर का शोषण करते हैं, उनको शोषित किया जाता है और अपनी आवाज भी वो इतनी बुलंद नहीं कर पाते। अगर कोई ऐसा करता है ठेकेदार, तो क्या करना चाहिए? क्या उसके पास ऐसा एक्ट है, क्या उसके पास जो कानूनी प्रक्रिया है जिसका वो इस्तेमाल कर सकता है? देखिए जी, ज्यादा डिफरेंस नहीं है कॉन्ट्रैक्ट लेबर में और नॉर्मल लेबर में। उसको भी वही प्रावधान है मोर और लेस जो परमानेंट लेबर के या दूसरे लेबर के होते हैं। कॉन्ट्रैक्ट लेबर से अगर कोई आदमी प्रताड़ित हो रहा है, कॉन्ट्रैक्ट लेबर के अंदर अगर कोई आदमी प्रताड़ित हो रहा है कॉन्ट्रैक्टर से, तो या तो वो अपने प्रिंसिपल एम्प्लॉयर को शिकायत कर सकता है, बिकॉज अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटीज डू लाई विद द प्रिंसिपल एम्प्लॉयर इन वेरी मेनी केसेस। और वो अपने जो हमारे लीगल फ्रेमवर्क में जो अथॉरिटीज हैं, जैसे कि लेबर अथॉरिटी है, लेबर ऑफिस हुए, लेबर कोर्ट हुए, वहां जाके वो एड्रेस कर सकता है, अपनी प्रॉब्लम शिकायत दर्ज कर सकता है और अकॉर्डिंगली उसका समाधान होता है। दी लेबर ऑफिसर्स एंड दी लेबर कोर्ट्स आर नाउ फार मोर एफिशिएंट देन दे यूज्ड टू बी। बिल्कुल। और इसी से जुड़ा अगर किसी का कोई सवाल है तो वो पूछ सकता है। टेलीफोन नंबर्स हम लगातार फ्लैश कर रहे हैं, आप इन नंबर्स पर कॉन्ट्रैक्ट लेबर से जुड़ी जो तमाम जानकारी है वो हमारे अधिवक्ता से ले सकते हैं। और भी कोई कानूनी आपका कोई सवाल है, कानूनी अगर आप चाहते हैं कि सवाल आपका है उसका जवाब लेना चाहते हैं तो कार्यक्रम में जुड़ सकते हैं। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, राकेश हमारे साथ अंबेडकर नगर से जुड़े हैं। राकेश जी नमस्कार, पूछिए क्या सवाल है आज आपका। जी गुड इवनिंग मैम। मैम ये है कि हमारा सैलरी 15 महीने हो गए, मैं होम्योपैथ डिपार्टमेंट में कार्य कर रहा था, अभी तक सैलरी नहीं मिल रही है, वर्क लगातार चलता जा रहा है। जी नमस्कार। देखिए जी, आपने जो बात करी है वो ये कही है कि फैक्ट्री अभी भी चल रही है, आप उसमें कार्यरत हैं और तकरीबन पिछले 15 महीनों से आपको तनख्वाह नहीं मिली। ऐसी स्थिति में आप वहां पर जो लोकल उनका लेबर ऑफिस होता है या लेबर इंस्पेक्टर होता है उनके पास जाके आप कंप्लेंट कर सकते हैं एंड दे विल टेक एक्शन, दे हैव टू टेक एक्शन। ठीक है, तो आपके पास जो रास्ता बचा है, जो आपके पास विकल्प है, आप शिकायत कर सकते हैं और उसके बाद जो जो प्रक्रिया होगी उसको आप फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा बहुत तेज होता है, जैसे ही ये जाके कंप्लेन करेंगे लेबर इंस्पेक्टर यूजुअली खुद आता है या अपनी टीम भेजते हैं, और आजकल तो जगह जगह खुद ही लेबर इंस्पेक्टर आके मोर और लेस वेरीफाई कर रहे होते हैं जी। और जब से ये डीमोनेटाइजेशन हुई है उसके बाद से पूजा जी ऐसा हो गया है कि लेबर की जो तनख्वाह है वो उसके सैलरी अकाउंट में जानी होती है। तो ये बहुत मुश्किल है कि अगर वो अभी भी प्रताड़ित हो रहे हैं तो वो कंपनियां आगे ऐसे चल रही हैं, ये थोड़ा मुश्किल है, बिकॉज अगर ये एक बार भी कंप्लेंट करेंगे तो बहुत फास्ट एक्शन लिया जाए। शोषण अगर होता है तो उसके पास क्या विकल्प है, साथ ही ये क्या होता है? अब जरा कॉन्ट्रैक्ट लेबर के जो पंजीकरण और लाइसेंसिंग से जुड़े नियम है उसके बारे में आपसे समझना चाहेंगे कि इसके नियम कायदे कानून क्या कहलाते हैं। जी पूजा जी, ऐसा है कि कॉन्ट्रैक्ट लेबर जो एक्ट है ये लागू होता था जिस कंपनी में 19 लोगों से ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट लेबर हायर की जाती है, और ये एप्लीकेबल उस ठेकेदार पे है जिसने 19 लोगों से ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट लेबर उस साइट पे दी है, उस फैक्ट्री में दी है। ये अभी अमेंडमेंट होके इसकी फिगर 50 पे आ गई है।
लेकिन इसमें मिनिमम वेज परमानेंट वर्कर के बराबर की ही होती है, ईएसआई पीएफ फैसिलिटी सेम होती हैं, और जो वेलफेयर जो कि हरियाणा में लागू होता है वो भी सेम होता है, और बाकी सारी सुविधाएं मोर ऑर लेस सेम होती हैं। ये नहीं है कि कॉन्ट्रैक्ट लेबर का जो व्यक्ति है उसको कम सुविधाएं दी जाएंगी और जो नॉर्मल व्यक्ति है उसको सुविधाएं ज्यादा दी जाएंगी, ऐसा नहीं है, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता। बट बस एंट्री और एग्जिट थोड़ा इजी होता है बिकॉज वो डायरेक्ट एम्प्लॉय नहीं, इनडायरेक्ट एम्प्लॉय होता है। ठीक है, एक दर्शक हमारे साथ गाजियाबाद से संतोष श्रीवास्तव जुड़े हुए हैं। संतोष जी नमस्कार, पूछिए आपका सवाल क्या है, क्या जानकारी आप अधिवक्ता से जानना चाहते हैं? आवाज मिल रही है संतोष जी आपको? संतोष जी आप सुन पा रहे हैं क्या? चलिए उनसे संपर्क नहीं हो पाया, कॉल डिस्कनेक्ट हो गया, फिर से कोशिश कीजिएगा। जो तमाम दर्शक जुड़ना चाहते हैं फटाफट से कार्यक्रम में जुड़ सकते हैं, टेलीफोन नंबर्स लगातार हम फ्लैश कर रहे हैं, जो भी आपका सवाल है जरूर जुड़कर कानूनी हेल्पलाइन लीजिए। आगे विनय जी मैं आपसे पूछना चाहूंगी, यदि कंपनी रजिस्टर्ड नहीं है या यदि ठेकेदार का लाइसेंस ही नहीं है तो ठेका वर्कर को प्रत्यक्ष कार्यकर्ता माना जाएगा, इसे समझाएं, यहां पर क्या पेनल्टी का भी प्रावधान है? देखिए पूजा जी, ऐसा है कि कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट में प्रिंसिपल एम्प्लॉयर को रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है अपना, और उसके अंदर उसको स्पेसिफाई करना पड़ता है कि उस पर्टिकुलर ईयर के अंदर वो कितने कॉन्ट्रैक्ट लेबर मैक्सिमम हायर करना चाहता है और किस किस कॉन्ट्रैक्टर के जरिए उन्हें हायर करना चाहता है। इसका मतलब अगर उसने 4 या 5 ठेकेदार यूज करने हैं तो उन 4-5 ठेकेदारों का नाम देना पड़ेगा और उनकी मैक्सिमम लिमिट सेट करनी पड़ेगी कि मैं मैक्सिमम किसी भी एक दिन एक ठेकेदार से इतने लेबर तक ले सकता हूँ, उससे अधिक नहीं। ठीक है, अब क्या होता है कि अगर वो रजिस्ट्रेशन सफल नहीं है या रजिस्ट्रेशन होने के बाद पता चला कि उस रजिस्ट्रेशन में वो ठेकेदार था ही नहीं जिसको इन्होंने हायर किया हुआ है, तो उस केस में 2 सिचुएशन होती हैं। यूजली प्रावधान ये है दैट द प्रिंसिपल एम्प्लॉयर हैज टू गेट हिमसेल्फ रजिस्टर्ड, इफ नॉट अगर चेंजेस करने हैं तो वो लाइकली उसमें अमेंडमेंट्स करे अपने रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट में, और सेम प्रावधान है कॉन्ट्रैक्टर को, उसको लाइसेंस लेना होता है जी, उसे फॉर्म 5 इशू करता है प्रिंसिपल एम्प्लॉयर। कोई भी ठेकेदार किसी भी लेबर ऑफिस में जाके लाइसेंस नहीं ले सकता जब तक प्रिंसिपल एम्प्लॉयर के पास रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट में उस पर्टिकुलर ठेकेदार का नाम ना हो। एक कॉलर यहाँ पर जुड़े हुए हैं, बीच में आपको इंटरप्ट कर रही हूँ। अनु श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़े हैं अयोध्या से, नमस्कार, क्या सवाल है आपका, पूछिए। आपकी आवाज बहुत कम आ रही है, थोड़ा सा तेज बोलिए श्रीवास्तव जी, पूछिए सवाल पूछिए, अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है तो। हाँ मैम, ये पूछना था कि पैसे पहचानेंगे लीगल है, कुछ कंपनियां ऐसी बनी हुई है है। ठीक है, आप कैसे पहचानेंगे अधिवक्ता जी, इनका सवाल यही कि कुछ चीजें इलीगल अगर फंस जाते हैं तो कैसे पहचान कर सकते हैं? समझ नहीं पाया, जरा फिर से रिपीट करेंगे। किसी भी कंपनी को इलीगल या लीगल ये कैसे पहचान कर सकते हैं, क्योंकि कई बार फ्रॉड हो जाता है लोगों के साथ, इसीलिए वो चाहते हैं ये समझना कि लीगल क्या है, लीगल क्या है किसी भी कंपनी के लिए, ये फॉर्मेट कैसे समझा जाए? देखिए जी, जो कंपनी लीगल या इलीगल है ये कंपनी एक्ट के तहत आता है। अब लेबर लॉज और इंडस्ट्रियल लॉज बेसिकली लेबर से और एम्प्लॉयमेंट रिलेटेड होते हैं। कंपनी का लीगल या इलीगल होना उसके कंपनी एक्ट में रजिस्ट्री है कि नहीं है, उनके मेमोरेंडम क्या कह रहा है, आर्टिकल क्या कह रहा है, पार्टनरशिप है, प्रोप्राइटरशिप है जी। ये डिफरेंट एक्ट है, उसके तहत आता है। बट लीगल और इलीगल का मतलब
तो लेबर लॉज में क्लियर नहीं है इसमें, लेकिन वर्कर को सैलरी मिल रही है नहीं मिल रही है, समय पे मिल रही है नहीं मिल रही है, ईएसआई पीएफ दिया जा रहा है, वर्कर का शोषण तो नहीं किया जा रहा, उसको हेल्थ वाइज सेफ्टी वाइज सारी चीजें मुहैया कराई जा रही हैं। मतलब इन सब चीजों को लेकर आप पहचान कर सकते हैं और अच्छे से देख परख के जांच पड़ताल के बाद आप ज्वाइन कर सकते हैं। बिल्कुल हाँ, कंपनी एक्ट में पता कर सकते हैं। ठीक है, बड़ी अहम जानकारी आपने दी है जी शिवा, बहुत अहम जानकारी आपने विनय जी दी है। और हमारे तमाम दर्शक जो जुड़े उनको उम्मीद करते हैं कि जो जो उनकी क्वायरी होगी जरूर उसका समाधान हुआ होगा। बहुत शुक्रिया आपका विनय जी, आप हमारे साथ जुड़े और तमाम जो कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट है उससे जुड़े जो भी कानूनी प्रक्रिया है वो आपने हम तक पहुंचाई। फिलहाल के लिए इस खास पेशकश में इतना ही, नमस्कार।